युगो युगो से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजश्री शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 11 अप्रैल 2020 दिन शनिवार, बैसाख मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी तिथि शाम 7:01 तक रहेगी और उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है वो दोपहर 11:57 से लेकर 12:48 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त हो। आज राहुकाल सुबह 9:11 से लेकर 10:47 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज आपका आलस्य ही आपका शत्रु बन जाएगा और आप अपना पूरा दिन आलस्य की भेंट चढ़ा सकते हैं। इससे स्टूडेंट्स अपने सेट किए हुए टारगेट से पिछड़ सकते हैं और नौकरी पेशा व्यक्तियों के प्रोजेक्ट डिले होने से उनके बॉस से उनको डांट फटकार मिल सकती है। इसलिए आज आप प्रातःकाल उठकर ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज में भाग लें जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करें। व्यायाम करना और जॉगिंग पर जाना आपके लिए उत्तम होगा। आज ऐसा हो सकता है कि आपके मेहनत के अनुकूल आपको मनवांछित फल प्राप्त न हो, परंतु आप निराश न हो और इस बात को एक चैलेंज की तरह लेकर और मेहनत करने का संकल्प करें। इस समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके मेहनत के अनुकूल आपको फल प्राप्त नहीं होते हैं और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और मुझसे यानी कि स्वामी राजेशी से अपनी कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय हो जाएगा और आपकी किस्मत का सितारा चमक उठेगा। आज आपका जरूरत है कि आप यदि कोई भूल चूक करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करके सुधारें और दूसरे पर उसको मरने की कोशिश ना करें। आज आपके बड़े भाई के घर से आपको अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आज लोहे की एक गोली लाल रंग से रंगकर अपनी जेब में रखने से आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आज आप मांस अंडा और शराब का सेवन करने से भी बचें। वृषभ राशि वालों, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में लड़ाई झगड़ों से परेशान हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही
करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि कोई भी व्यक्ति आपसे उधार लेकर गया है पर लौटाने में आनाकानी कर रहा है तो वह स्वयं आकर आपको आपका धन लौटा देगा। आज आप एक देसी घी का दीपक लगाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। आप उस व्यक्ति का मन में ध्यान करें जो आपका उधार लेकर गया हुआ है और फिर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्रधारी रूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम ह्रीम कार्त वीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण ऋतम नष्टम च लभ्यते। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम ह्रीम कार्त वीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान यस्य स्मरेण मात्रेण ऋतम नष्टम च लभ्यते। यदि आज आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरुजी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। गलत जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरुजी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। हमारी वेदों पुराणों धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।